द्वारका जिले में पुलिस कर्मचारियों को खुफिया जानकारी विकसित करने और अपराधियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने और साथ ही क्षेत्र में घूमने वाले संदिग्ध अजनबियों के बारे में जानकारी देने और पुलिस की रोको टोको योजना के तहत उनकी जांच करने के लिए नियमित रूप से प्रेरित किया जा रहा है। उनके सिविल कपड़ों में गश्त करने और जेल में बंद अपराधियों जो फिर से अपराध में शामिल हैं, उन पर नजर रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। मामले के पंजीकरण के बाद ASI बीरेंद्र, SI महिपाल, ASI भीम सिंह, हेड कांस्टेबल रामकिशन, कांस्टेबल बाबूराम, हेड कांस्टेबल राज सिंह, कांस्टेबल रामकुमार और कांस्टेबल सुमित का गठन बिंदापुर की देखरेख में किया गया। जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र के CCTV फुटेज प्राप्त किए गए और उनका विश्लेषण किया गया। इसके बाद CCTV फुटेज और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी भूपेश कपूर एलियस गोलू को उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास से पकड़ लिया गया है। तलाशी लेने के मौके पर उसके कब्जे से 2 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए और पूछताछ में उसने बैटरी, बिजली के तार और तांबे के तार चोरी होने का खुलासा किया। और जब उसने बैटरी और तांबे के तार को बेच दिया तो उसके उदाहरण पर बिजली के तार बरामद हुए। कर्मचारियों द्वारा पेशेवर काम के कारण आरोपी भूपेश कपूर एलियस गोलू को गिरफ्तार किया गया है। बिंदापुर थाने के स्टाफ ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें उन्होंने भूपेश कपूर करके एक क्रिमिनल है जो पहले केस में इन्वॉल्व रह चुका है, उससे 2 मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिक वायर जो इलेक्ट्रिक शॉप से चोरी हुई थी वो उससे बरामद करी है। और 3 टोटल केसेस उससे वर्कआउट हुए हैं और ये रजापुरी फ्लैट्स हैं, बिंदापुर के इलाके में वहाँ का रहने वाला है। और बाकी इसके और जो रिसीवर्स हैं उनको पकड़ने के लिए आगे पूछताछ जारी है। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़। और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।